वफाकी काबीना इजलास में कोरोना वायरस से बचाव बिजली की कीमतों में कमी की तजावीज पर गौर किया गया। मुआवने खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वजीर आजम ने कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत कर दी है। अपोजिशन पर तंज के तीर बरसाते हुए बोली, लंदन की सड़कें नापने से बीमारी का तायुन नहीं होता। बीमार कैदी से बार बार रिपोर्ट मांगी गई। शरीफ खानदान मीडिया को बताए सर्जरी कहाँ हो रही है। ट्रंप की भारत में पाकिस्तान की तारीफ में सिफारती कामयाबी करार दे दी। जिस अंदाज से सीना बसीना मोदी और ट्रंप का मिलाप हो रहा था, ऐसे माहौल में वहाँ हिंदुस्तानी बयानिए को शिकस्त होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के हवाले से हकूमती तरजीहात से कैबिनेट को आगाह किया। आज के दिन तक पाकिस्तान में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया और पाकिस्तान एक कोरोना वायरस फ्री कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है। भरपूर कोशिश होगी कि मुल्क को कौम को कोरोना वायरस से महफूज बनाया जाए। ये ऐसी कौन सी पुरसरार सर्जरी है जिस हॉस्पिटल का भी किसी को पता नहीं है और अभी तक वो कौन सी सर्जरी है उसका भी किसी को पता नहीं है। तो खुदा रा कौम को गुमराह करने की और कौम की आंखों में धूल झोंकने की ये जो दानिस्ता कोशिशें हैं उनसे बाज आए। लंदन की सड़कें नापने से बीमारी का तयन नहीं होगा, बीमारी का तयन जो है वो आपकी रिपोर्ट से होगा।